इच्छा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज फ्रेंड्स हम आप सभी लोगों के लिए कुछ नई रेसिपी लेकर आए हैं, तो वीडियो भी बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिएगा, लोग वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए आज की रेसिपी चालू। तो आज हम फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये हम लिए हुए हैं सूजी। तो हम सूजी यहाँ पे बारीक वाला लिए हैं। आपके पास अगर मोटी सूजी हो तो उसे हल्का सा आप मिक्सी में चला के दरदरा कर सकते हैं। तो देखिए आज हम सूजी के पापड़ की रेसिपी आप सबों के साथ शेयर करते हैं। तो आइए रेसिपी चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए एक बड़ा सा कुकर, आप इसके जगह भगोना भी ले सकते हैं। कुकर नहीं हो तो बड़ा बर्तन ही आप लोग लीजिएगा, क्योंकि इसमें बनाने में आसानी रहता है। तो यहाँ पे हम कुकर ले लिए हैं, गैस ऑन कर लेते हैं और कुकर को चढ़ा देंगे। तो जिस कटोरी से या जिस भी बर्तन से आप सूजी लीजिएगा उसी बर्तन से हम पानी डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक कटोरी सूजी लिए हैं। तो एक कटोरी हमारा सूजी है, उस हिसाब से हम मैनेजमेंट करेंगे पानी। तो देखिए यहाँ पे हम पानी डाल रहे हैं। तो पानी हमें डालना है तो कम से कम हम इस कटोरी से 8 कटोरी पानी डालेंगे, क्योंकि सूजी तो आप सभी लोग जानते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा जो है सोखता है, और पापड़ बनाएंगे तो बिल्कुल ही पतला रहेगा, बहुत गाढ़ा का नहीं बनाना है पानी हमें। तो ये देखिए यहाँ पे हम डाल दिए हैं, लगभग 8 कटोरी पानी डाले हुए हैं। पानी को गर्म होने देते हैं, पानी जब गर्म हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे। तो पानी हमारा उबाल हल्का हल्का आने लगा है, तो अब इसमें हम सबसे पहले डाल देते हैं खड़ा जीरा। तो यहाँ पे देखिए हम खड़ा जीरा डाल रहे हैं, खड़ा जीरा लगभग हम 2 चम्मच डालेंगे। और थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, अजवाइन से जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पापड़ का। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा हम अजवाइन ले लिया, लगभग 1 चम्मच है, तो इसे भी पानी में डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे कूटा लाल मिर्च पाउडर। तो कूटा लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से, अगर तीखा कम खाना पसंद करती हैं तो कम ही डालिएगा। हम यहाँ पे डाल रहे हैं लगभग 2 चम्मच कूटा लाल मिर्च पाउडर। इसे एक बार चला देते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम धनिया, हरा धनिया। हरा धनिया डालने से इसके देखने में खूबसूरती बढ़ जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अगर आप लोग को नहीं अच्छा लगता होगा तो इसे स्किप भी कर सकती हैं धनिया। तो हम यहाँ डाल दे रहे हैं धनिया। और इसी समय नमक भी डाल देंगे। तो नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे, नमक थोड़ा सा आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, जितना आप पापड़ बना रहे हैं उसके हिसाब से डालिएगा। तो हम लगभग 2.5 चम्मच यहाँ पे डाले हुए हैं। अब पानी को अच्छे से उबाल लेने देते हैं। एक बार चला देंगे कि पानी अच्छे से, जो ये नमक डाले हुए हैं मिल जाएगा पानी में। देखिए तो पानी में देखिए अच्छे से उबाल आने लगा है। अब हम सूजी को डाल देंगे, जो सूजी ये हम लिए हैं। तो सूजी को हम एक बार में नहीं डालेंगे, एक बार में डालने पर सूजी नीचे से जम जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोग भी डालिएगा।
थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इसे मिलाते रहेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिला लेंगे, धीरे धीरे करके पकाएंगे। कलछुल या पलटे के हेल्प से चला दीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल पतला भी है ना, तो ऐसा ही थोड़ा सा इसे पकाएंगे, क्योंकि सूजी जब तक पकेगा नहीं अच्छा नहीं बनेगा पापड़ हमारा। तो इसे हम धीरे धीरे पकाते रहेंगे। अगर सूजी ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग अलग से पानी रख लीजिएगा खोला के बर्तन में, बॉयल पानी ही डालिएगा इसमें, ठंडा पानी नहीं डालेंगे, ठंडा पानी डालने पे ख़राब हो जाएगा हमारा ये। तो देखिए अभी पानी मेरा सही लग रहा, हम भी पानी अलग से रखेंगे, अगर कम लगेगा गाढ़ा ज़्यादा हो जाएगा टेस्ट तो इसमें हम पानी डाल लेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि सूजी हमारा जो है देखिए पक गया है बिल्कुल बढ़िया से। इधर हम पानी चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगा पानी का तो हम गर्म पानी ही डालेंगे। तो देखिए आप किसी भी प्लेट को, कोई प्लेट ले लीजिएगा और उसे चेक करिएगा, इसे हम जो ये बनाए हुए हैं इसे हम प्लेट में डालेंगे। सबसे अच्छा देखिए ऐसे आप अगर चेक करेंगे तो देखिए जब ये ऐसे गोल में बिल्कुल बन जाए, देखिए गिर नहीं रहा है, बिल्कुल बढ़िया आपसे पक गया है हमारा ये। तो हम गैस को अब ऑफ कर देंगे, तो देख सकते हैं पापड़ बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ देखिए हम इसे बंद कर देते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म है, अगर हम प्लास्टिक पर डालेंगे तो प्लास्टिक हमारा सिकुड़ जाएगा, इसलिए हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, फिर हम पापड़ डालना शुरू करेंगे। तो इस पर प्लास्टिक पर फ्रेंड्स पापड़ डालने के पहले साबुदाने का सूजी वाला पहले जो है इसे हम तेल लगा लेंगे, अच्छे से उखड़ जाएगा, उखड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स बस एक एक कलछल लेके, या आप कटोरी से भी डाल सकते हैं, और बस इसे हम ऐसे करेंगे, और साइज आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए इतना बड़ा बड़ा पापड़ डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा ये बन के तैयार होगा फ्रेंड्स। हम धूप में ही फैला रहे हैं इसे, क्योंकि ये पापड़ धूप में ही अच्छे से सूखेंगे। तो ये देखिए बस सारे पापड़ को हमें ऐसे ही फैला लेना है, कि बिल्कुल आसान है, कोई भी बनाने में झंझट नहीं है, और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखने में भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये, जब सूख जाएंगे हमारे पापड़ तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। बस ऐसे ही इसे हमें फैला लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे पापड़ को डाल दिया है धूप में, और ये आप देख सकते हैं कि एक कटोरी पापड़ से, सिर्फ एक कटोरी सूजी से हमारे कितने सारे ढेर सारे पापड़ बने हैं। तो आप अगर अकेले भी हैं फ्रेंड्स तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, और आसानी से आप इसे बना सकते हैं बिल्कुल कम समय में, बिल्कुल टेस्टी टेस्टी पापड़।
फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज का वीडियो यही बंद करते हैं, कल फिर आप सभी लोगों से मिलेंगे कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।